मैं चमेलपाल वार्ड नंबर एक पलगेत्र का निवासी हूँ और हमारी समस्या गली और नाली है और आए दिन जहाँ का पानी जो है वो यहीं खड़ा रहता है और इसकी निकासी नहीं होने के कारण यहाँ गंदगी बहुत हो जाती है और गंदगी की वजह से मच्छर हो जाता है और मच्छर की वजह से आए दिन बीमारियां हो जाती हैं। तो हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि वो नाली की निकासी निकल जाए और गली जो है वो इसकी रिपेयर हो जाए या पूरी कंप्लीट बन जाए, हम यही चाहते हैं। इधर तो समस्या तो बहुत है, इधर नाली में इतना गंद है ना, तो खाना बनाने के लिए भी हमें दिक्कत होती है। मच्छर इतना है कि हद से ज्यादा, ऊपर से बीमारियों की इतनी प्रॉब्लम होगी कि हद से ज्यादा। लोग छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले वो भी गलियों में ऐसे घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या इतना गंद है, कहाँ से आ गया ये। ना तो हमारी कोई समस्या हल करता है और ना ही कोई। कई दफा तो हम डीसी साहब के पास गए इस नाली के बजाय बोलने के लिए, सारे इसका काम होना चाहिए। कमेटी में गए, कोई सुनते नहीं हमारी। अभी क्या प्रशासन से मांग? प्रशासन से मांग यही है कि हम यही चाहते हैं कि हमारी सड़कों और नाली का बंदोबस्त हो जाए, तो हम इसी में सहमत है सरकार से, नहीं तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। रजत खुलर, वार्ड नंबर एक का नागरिक। इस वार्ड के लोगों ने मेरे को याद किया तो मैं इनकी सेवा में हाजिर हूँ। इनके बड़े सालों से डिमांड है कि इनके मोहल्ले की गली और नाली जल्द से जल्द बनाई जाए, क्योंकि इस नाली में इतनी गंदगी, इतनी मच्छर होते हैं तो बीमारी का भी डर है। और ये गली यहाँ पे जब रात को लाइट नहीं होती तो लोग बड़े गिरते भी हैं। तो मैं नरेश शर्मा जी से हाथ जोड़ के गिनती करता हूँ, जो कि चेयरमैन म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, उनसे हाथ जोड़ के गिनती करता हूँ कि इनकी समस्या जल्द से जल्द हल की जाए। जय हिंद, जय भारत।